और एक ऐसा भी देखा होगा कि स्कूल में आजकल बच्चों की तोंद भी निकली होती है, है ना? जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं ज्यादातर उनकी तोंदें निकली होती है, और बहुत सारे लोग हैं जो मोटे भी हैं। तो एक हमारा देश एक ऐसा मिला जुला देश है जिसमें बहुत सारे लोग कमजोर भी हैं और कुछ बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा मोटे भी हैं। तो जो लोग मोटे हैं वो भी बीमार है, जो लोग कमजोर है वो भी बीमार है। तो दो तीन तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनको सॉल्व करने के लिए पहले हमारे को समझना चाहिए कि हमारा जो खाना है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है कि असलियत में खाना होता क्या है। खाने में पहले ये समझना चाहिए कि जो अभी हम खा रहे हैं, चाहे वो मीट चिकन खा रहे हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए बना है या नहीं बना। ठीक है, तुमने एक बंदे का नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन, सुना है? क्या बताया था उन्होंने कि हम लोग क्या थे पहले? हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया है ना, लेकिन शरीर में हमारे बैक्टीरिया का जो साइज है वो बहुत छोटा है। हमारे शरीर में दो तरह के सेल्स हैं मेन, एक ह्यूमन सेल और एक बैक्टीरिया सेल। जो ह्यूमन सेल है वो तो इतना बड़ा है, लेकिन बैक्टीरिया सेल बहुत छोटा है, और वो छोटा 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 हमारे ह्यूमन सेल के आसपास है। वो इतना ज्यादा है कि उसकी जो संख्या है अगर हम उसको काउंट करें तो ह्यूमन सेल 1 और बैक्टीरिया 9 या 10, कहीं में 9 है कहीं में 10, तो 1:10 की रेशो है। मगर अगर एक ह्यूमन सेल है तो पैरेलली हमारे बॉडी के अंदर 10 बैक्टीरिया सेल्स हैं, और बैक्टीरिया सेल्स भी ऐसे हैं, बैक्टीरिया भी ऐसा है जो अगर हमारा बैक्टीरिया कान में है, आंख में है, नाक में है, हमारी टंग में है, स्टमक में है, कोई बैक्टीरिया एक दूसरे से मेल नहीं खाता। यहाँ पे कुछ और प्रकार, जैसे जिराफ कहाँ मिलता है? अफ्रीका में, है ना? कैंगरू कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में नहीं मिलता, है ना? तो इसी तरह जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है वो इंडिया में नहीं मिलती, ऐसी जो अफ्रीका में मिलती है वो भी इंडिया में नहीं मिलती। इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया हमारा है जो आँख में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता, है ना? तो इसी तरह हमारे पूरे शरीर में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, और करीबन देखा जाए तो हमारी 90% जो शरीर है, जो सेल्स हैं, वो किस चीज़ के बने हुए हैं? बैक्टीरिया से। बाकी जो 10% है वो ह्यूमन सेल है, लेकिन उसका साइज बड़ा है। ठीक है, इसलिए हमारा ऐसे लगता है कि हम लोग इंसान हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है, हम अपने शरीर के अंदर अगर खाना खा रहे हैं तो हमारे दो चीज़ों के लिए खाना खाना पड़ेगा, एक ह्यूमन सेल के लिए और एक बैक्टीरिया के लिए। लेकिन हम लोग करते हैं, हम खाना सिर्फ अपने शरीर के लिए खाते हैं, बैक्टीरिया के लिए खाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। अब वहाँ से जो बात होती है कमजोरी की, ठीक है, कैसे? हमने बाजार में गए, चिप्स खरीद लिए, प्लेस है ना, अंकल चिप्स चिप्स वगैरह खरीदते हैं, कौन खरीदता है? सारे जने खरीदते। तो चिप्स खरीदे हमने, और वो ज्यादातर आलू के चिप्स बने होते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं, यस सर, है ना? तो क्या किया हमने, उसको खाया। वो जो चिप्स थे वो बने आलू से, और आलू अगर आप ध्यान से रखो अपने घर में उबाल के या सुखा के, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है और खराब हो जाता है। लेकिन चिप्स के पैकेट में खराब नहीं होता, बताओगे क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिले होते हैं, प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, और वो क्या करते हैं, आलू को कोई खाने आता है, आलू को कौन खाने आता है? बैक्टीरिया खाने आता है, तो वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है, वही आलू हमने खा लिया चिप्स, वो हमारी बॉडी में गया, और क्या करेगा वो हमारे अंदर वाले जो बैक्टीरिया है, पेट के अंदर बैक्टीरिया, उसको भी मार देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग ऐसा शरीर बन जाएगा जिसके अंदर बैक्टीरिया मरेगा। अब कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे को कुछ देते हैं, हमारा जो शरीर है वो बहुत सेल्फिश होता है, वो एक बैक्टीरिया को तभी रहने को जगह देता है जब उसको उससे कोई चीज मिल रही हो, नहीं तो उसको नहीं देता वो। तो हमारा शरीर उससे क्या लेता है बैक्टीरिया से, जो उसको जगह भी देता है, रहने की जगह भी देता है। वो उसको जगह इसलिए देता है कि पहले तो वो हमारे को विटामिन देता है। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए विटामिन बनाते हैं, जैसे B12 नाम की विटामिन है, वो हमारा ह्यूमन सेल, हमारी बॉडी उसको बना ही नहीं सकती, लेकिन
वो तभी बन सकता है अगर वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर हो, तभी वो हमारे बैक्टीरिया हमारा वो B12 बनाएगा, तभी हमारा शरीर उसको ले पाएगा और हम चल पाएंगे। और B12 हमारे मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पावर के लिए हमारे B12 बहुत जरूरी होता है। जो जिन लोगों को बिना वजह से कई बार हाथ में पेन होती रहती है, दर्द होती रहती होती है ना अंगों में शरीर में, तो उनके ज़्यादातर B12 की कमी होती है सर। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उन्होंने बचपन में अपना कहीं से बैक्टीरिया मार दिया। तो अब क्या करना पड़ता है हमारे को, बाजार से B12 खरीदनी पड़ती है। तो डॉक्टर जाएगा और तुम्हें क्या लिख देगा, बी कम्प्लेक्स खरीदो, लिख देता है ना, बी कम्प्लेक्स नाम सुना है ना। तो बी कम्प्लेक्स क्या होता है, B1, B2, B3, B5 सारी चीज़ों का एक मिश्र, उसको कॉम्प्लेक्स बना के वो गोली तुम्हारे को सारी जिंदगी खानी पड़ती है सबकी, नहीं तो बात नहीं बनती। बात समझ आ गई? तो ऐसे शुरुआत करते हैं हम लोग अपने शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मारते हैं और फिर सारी जिंदगी के लिए कमजोर हो जाते हैं। और B12 की कमी से इवन आप ऐसे से हाथ भी कांपते हैं, ठीक है। और आप सिंपली B12 कहाँ से खा सकते हो, बहुत सारी सब्जियों में भी होता है, सबसे ज्यादा ये होता है चिकन में, मीट में, और मीट में भी किस में होता है, लिवर के अंदर। अगर चिकन का लिवर खाओगे उसके अंदर। और एक चीज होती है यीस्ट, सुना है यीस्ट क्या होती है, स्कूल में पढ़ाया होगा, एक न्यूट्रिशनल यीस्ट आती है, यीस्ट जिससे ब्रेड बनती है, ठीक है। वो यीस्ट खाने से ही B12 हमारे शरीर में जाता है और वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ नहीं सकता किसी तरह दोबारा से। लेकिन उसको अमेरिका में कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और वापस ले आए हैं, वो मैं थोड़ा सा थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारी विटामिन आती है विटामिन डी, ठीक है, और विटामिन के, और विटामिन एक होती है कैल्शियम, ठीक है, विटामिन डी के और कैल्शियम, इन तीनों को एक सही मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए। अगर ये तीनों नहीं होंगी, एक कम है एक ज़्यादा है, तब भी हमारे शरीर के लिए मुसीबत है और वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग क्या है, हम लोग कहाँ रहते हैं, कमरे के अंदर, हम लोग कमरों के अंदर रहते हैं, ठीक है, शरीर पे मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं। उसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में कुदरती तरीके से विटामिन डी कमी बंद हो गई। और इंडिया में आप हैरान हो जाओगे, करीबन 90% लोगों को विटामिन डी की कमी है और करीबन 95% लड़कियों को विटामिन डी की कमी है, क्योंकि हिंदुस्तान में लड़कियों को कहा जाता है पूरे कपड़े पहनो, अपना पूरा शरीर ढक लो, कईयों का तो मुंह भी ढक देते हैं। तो उसके कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम विटामिन डी की जो प्रॉब्लम है वो लड़कियों को होती है। और विटामिन डी को हमारे शरीर में बनने में करीबन आधा घंटा लगता है एक्टिवेट होने में, स्टार्ट होने में। वो स्टार्ट तभी होगी, विटामिन डी हमारे बॉडी में तभी स्टार्ट होगी जब वो करीबन आधा घंटा हम धूप में अपने कपड़े उतार के, मतलब सारे कपड़े उतार के, पूरे कपड़े उतार के अपने शरीर के इस हिस्से में और पीठ वाले हिस्से में धूप लगाएंगे। लेकिन ऐसा हम सारी जिंदगी नहीं करते, उसके कारण लगातार हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसके कारण आगे विटामिन के भी नहीं बनता और कैल्शियम भी हमारी हड्डियों में नहीं बन पाता। तो धीरे धीरे हम 40 साल की उम्र में आते आते सभी लड़कियों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, एक ऐसी बीमारी जो स्पेशली लड़कियों को होती है, क्योंकि हमारे शरीर को कैल्शियम तो चाहिए। अब शुरू में अम्मा ने मम्मी ने जब बच्चा पैदा किया था तब वो कैल्शियम हमारे शरीर में किसी तरह चले गया और किसी तरह हमने शुरू शुरू में बचपन में खाया थोड़ा बहुत, मम्मी ने दूध दिया, हमने कैल्शियम खाया। हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है वो हमारे शरीर में से निकाल के यूज कर लेता है और हड्डियाँ हो जाती हैं खोखली, कमजोर। दूसरा हम लोग क्या करते हैं गलती, जो स्पेशली लड़कियाँ करती हैं और जो मैडम्स बैठी हैं यहाँ पे, आपकी मैम्स भी करती हैं ये गलती, मेरी वाइफ भी गलती करती थी, कि जब हम 30 इयर्स की एज के ऊपर होते हैं तो हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देते हैं। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जब हम लेते हैं बगैर धूप के, वो हमारे शरीर में उल्टा काम करते हैं। वो किस चीज़ का काम करते हैं,
अभी किसी ने बताया था पत्थरी बनी, yes, yes, yes. तो वह हमारे शरीर में पत्थरी बनाने का काम करते हैं, इसको डॉक्टर लोग कहते हैं कैल्सिफिकेशन। और सबसे पहले वो कैल्सिफिकेशन हमारे हार्ट में होती है, और जिन लोगों के हार्ट में नहीं होती, कईयों के ब्रेन में होती है, मेरे मम्मी के ब्रेन में होती है, वो किडनी में भी हो जाती है, और कुछ लोगों के कई अजीब अजीब जगह पे सिस्ट हो जाते हैं, उनको सिस्ट कहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बहुत सारा कैल्शियम जो है वो जरूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में आ गया, वो प्रोसेस नहीं हो सकता और हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पा रहा। तो हमारा शरीर एक इंटेलिजेंट काम करता है, वो क्या करता है, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में एक हमने डस्टबिन रखा हुआ है, हर कमरे में डस्टबिन है ना, yes, sir. तो हमारे स्कूल के बाहर भी डस्टबिन है, yes, स्कूल के अंदर ग्राउंड में भी डस्टबिन है, yes, इसी तरह हमारा शरीर क्या करता है, जगह जगह पे डस्टबिन बना देता है। तो वो डस्टबिन के अंदर कैल्शियम को जमा करना शुरू कर देता है और उसके आसपास एक चार दीवारी बना देता है, और धीरे धीरे वो कुछ 5-10 सालों में पथरी में बदल जाता है। तो हम लोग जब कैल्शियम खाते हैं, दूध फालतू का दूध भी पीते हैं, तो दूध में भी कैल्शियम होता है, तो वो किस हमारे बॉडी में किस तरह असर करता है, वो पथरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एक तरह का कैल्शियम जरूरत से ज्यादा इम्बैलेंस होता है, क्योंकि विटामिन डी है नहीं, वो प्रोसेस हो नहीं सकता है। और विटामिन डी कब आएगी, अगर हम धूप में खड़े होंगे, हल्के कपड़े पहन के, करीबन आधा पौना घंटा पूरे अगर हमने शरीर से उतारे हैं तो आधा घंटा, अगर कपड़े पहने हुए तो कम से कम 2-3 घंटे। तो पहली बात बच्चों, कभी भी जिंदगी में धूप में खेलना बंद नहीं करना। अगर धूप में खेलना बंद करोगे तो तुम लोग बीमार हो जाओगे। और धूप हमारे लिए खाना है, मैं खाने की डेफिनेशन ही बता रहा हूँ, धूप हमारे लिए खाना है। जैसे पेड़ पौधों के लिए धूप अगर नहीं होगी तो पौधा मर ही जाएगा, इसी तरह हम लोग भी मर रहे हैं, तिल तिल के मर रहे हैं, बुरी तरह मर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम जब विटामिन डी तो है नहीं, हम और चीज़ें खा रहे हैं, उसके कारण दिक्कत होगी। फिर बहुत सारी लड़कियों में कैल्शियम की कमी होती है, और आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री की गोलियां दी जाती हैं कैल्शियम की, स्पेशली जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए जरूरी है कि वो गवर्नमेंट फ्री में कैल्शियम की और आयरन की गोलियां बांटती हैं। तो आयरन की कमी होने के कारण हमारा शरीर क्या करता है, वो कहता है कि मेरे को आयरन तो हर हालत में चाहिए, तो वो क्या करता है, क्रोमियम नाम का एक मिनरल होता है, उसको यूज करके काम चलाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और क्रोमियम हमारे शरीर में फिर से डिपॉजिट हो जाता है, और वो भी फिर पथरी में कन्वर्ट हो जाता है, या हाई टॉक्सिसिटी, उसको कहते हैं हैवी मेटल टॉक्सिसिटी कहते हैं इसको, और वो टॉक्सिसिटी भी हमारे शरीर में होती है, और ये टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा लड़कियों को असर करती है और बीमार करती है। फिर अगर आपके घर के पास कोई ईंटों का भट्टा है या कोई लकड़ी जलाता है या कोयला जलाता है, तो कोयले में से बहुत सारा प्रदूषण बाहर निकलता है। जो लोग घर के अंगीठे भी जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, और उसमें से एक जो पदार्थ है जो हिंदुस्तान में जो बड़ा तंग कर रहा है हमारे औरतों को, क्योंकि औरतों को ही चूल्हा जलाना पड़ता है, और वो है मरकरी। मरकरी कार्बन वाले डिपॉजिट्स में कुदरती तरीके से जमीन में होती है, डिपॉजिट भी होती है, लेकिन जब उसको आग लगा देते हैं वो हवा में उड़ के हमारे शरीर में चले जाती है, स्पेशली लड़कियों के जो चूल्हा जलाती हैं, बंद कमरे में चूल्हा जलाती हैं, उनको चले जाती हैं, और हमारे को मरकरी डिपॉजिट्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा असर हमारे शरीर पर करता है। तो इसके अलावा और तो प्रदूषण आपको पता ही है, पेस्टिसाइड का जरूरत से ज़्यादा, फर्टिलाइजर का, इन सब चीज़ों का भी हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारा असर होता है, ठीक है। तो इन सब के कारण हमारा शरीर जो है बीमार हो जाता है। अभी किसी ने मुझे कहा था कि उन्होंने थायराइड नाम की बीमारी सुनी हुई है, और थायराइड नाम की बीमारी चार चीज़ों के कारण ज़्यादा हो रही है, चार कारण। उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, दूसरा कारण है कि हम एक ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें क्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है, और पेस्ट ऐसा यूज कर रहे हैं जिसमें फ्लोराइड होती है। तो एक क्लोरीन, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, तीन चीजें ये हैं। अगर हमारे पानी में या हमारे खाने में जरूरत से ज्यादा होगी तो इमीडिएटली हमारे को थायराइड हो जाएगा। थायराइड क्यों होता है,
थायराइड होता क्या है? एक ऐसा जंतर तंत्र पुर्जा है जो हमारे शरीर का क्या करता है, क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है क्या, नहीं क्या, ग्रोथ मेंटेन करता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस, कुछ याद है? पिट्यूटरी ग्लैंड, भूल सब भूल गए, चलो हम उसमें नहीं पूछेंगे, थायराइड। और दूसरा मैं ये बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जो ह्यूमन सेल होता है उस सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब होता है दरवाजा, जैसे कि दरवाजा है ना, तो हम ह्यूमन सेल के बाहर दो दरवाजे होते हैं जो हर ह्यूमन सेल में, और वो दरवाजे दूसरे सेल्स में जरूरी नहीं है हो, मतलब एक जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, दूसरा विटामिन डी का, विटामिन डी इसलिए चाहिए होती है कि हम उससे स्टेम सेल्स बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल से स्टेम सेल्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनता है और उससे हमारा बहुत सारा बॉडी का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये दो गेट, दो दरवाजे हमारे ह्यूमन सेल में होते ही होते हैं, हर ह्यूमन सेल में, बाकी दरवाजे हो सकता है ना हो। और इमीडिएटली जैसे ही हमारे को थायराइड होता है, ये दरवाजा नया फंक्शन करता है, वो कभी जरूरत से ज़्यादा आयोडीन घुसा देता है कमरे में, और कई बार घुसाता ही नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, थायराइड। तो थायराइड का क्या कारण है? स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया, दूसरा कौन सा, क्लोरीन। क्लोरीन आप चंडीगढ़ के वाटर वर्क्स में जाओगे, उन्होंने क्लोरीन डाल दी थी ताकि पानी में कीटाणु मर जाए, साफ हो जाए, पोटेशियम परमैंगनेट भी डालते हैं। दूसरा ब्रोमाइड और फ्लोराइड, जो लोग कॉलगेट पेस्ट यूज करते हैं तो एक उसमें होता था तुम्हारे पेस्ट में फ्लोराइड है, जो जरूरत से ज़्यादा फ्लोराइड होता है इसमें, वो फ्लोराइड भी थायराइड करता है। और अगर आप पंजाब में जाओगे मालवा वैली में तो लोगों के दांत ब्राउन हो गए, उसका कारण यही होता है कि उस उनके पानी में भी फ्लोराइड ज़्यादा है, तो जब जरूरत से ज़्यादा फ्लोराइड तो जरूरत से ज्यादा उनके फ्लोराइड है, उनके दांत हमेशा ब्राउन रहेंगे और धीरे धीरे वो बीमारी की तरफ चल पड़ते हैं। तो आपने सुना हो पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है जो उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि पंजाब के अंदर जमीन से पानी निकाला जाता है, और जमीन के अंदर आर्सेनिक है, आर्सेनिक जैसी चीज़ है, वो जैसे हम पीते हैं हमारे शरीर के अंदर हैवी मेटल टॉक्सिसिटी करता है और हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो दूसरा खाने की डेफिनेशन हम ये समझे कि एक तो सूरज की रोशनी जरूरी है दिन में 2 घंटे, दूसरा स्वच्छ पानी, साफ पानी, और आरओ का पानी भी साफ नहीं होता, वो इतना साफ होता है कि उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। और जो बोतल का पानी है वो भी अच्छा नहीं होता, आरओ का पानी भी अच्छा नहीं है और बोतल का पानी भी अच्छा नहीं है, लेकिन करें क्या, प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर गंदा प्रदूषण वाला पानी है, तो उसको साफ करना तो जरूरी है, और इसलिए फिर हमें आरओ लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आप क्या करो, आरओ का पानी को निकाल के घड़े में डाल दो, जैसे मेरे घर में मैं क्या करता हूँ, हम लोग आरओ लगाया हुआ हमने, और मैंने उसके अंदर दोबारा से मिनरल्स डालने के लिए एक मैंने कैंडल भी लगाई हुई थी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने साथ में पानी निकाल के इमीडिएटली प्लास्टिक के उसमें से निकाल के घड़े में डाल देता हूँ, और घड़े के अंदर 1-2-3 घंटों के अंदर उस पानी के अंदर दोबारा से मिनरल्स आ जाते हैं, उसमें कैल्शियम और आयरन कई चीज़ें, क्योंकि घड़े में से वो लेके मिट्टी में से लेके और वो फिर हम ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरे नंबर पे सूरज की रोशनी, फिर पानी, और ऐसा खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव ना हो, मतलब जिसमें बैक्टीरिया ना मारा जाए। तो खाने की डेफिनेशन समझ रहे हो धीरे धीरे, और अगर ये डायग्राम देखोगे आप, अगर ये ध्यान से देखोगे डायग्राम, आप में से एक बच्चा जाए पकड़ ले उस डायग्राम को, एक बच्चा पकड़ के खड़ा हो जाए, आप जाओ। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि हमारा शरीर मीठा खाने के लिए नहीं बना, क्योंकि हुआ क्या, चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि हम लोग कहाँ क्या थे, पहले बंदर थे, फिर हम इंसान बन गए, लेकिन जब इंसान भी बने तो उसमें भी कई लाख साल लगे, तो उस समय
शुगर नहीं होती थी, शुगर इजाद नहीं हुई थी। शुगर करीबन 400-500 साल पहले सही मायनों में यूरोप में मिली और शुगर इस्तेमाल होनी शुरू हुई, और हमारे शरीर में शुगर को प्रोसेस करने के लिए कोई ऊर्जा सही मायनों में है नहीं। और अगर हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में शुगर को प्रोसेस करने के लिए अगर है तो एक चीज़ होती है, हार्मोन होता है इंसुलिन, और वो सिर्फ 5 ग्राम शुगर प्रोसेस कर सकता है। 5 ग्राम समझते हो, कईयों का वो 5 ग्राम में नहीं कर सकता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो 5 ग्राम में नहीं प्रोसेस कर सकता उसको। 5 ग्राम समझते, एक चम्मच जितनी चीनी ही प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि उस जमाने में जो बंदर थे या इंसान थे वो क्या खाते थे, कच्चा खाना, कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाते थे और कोई भी मीठा नहीं खाते थे। उसके कारण हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऊर्जा है ही नहीं जो